भाई साहब आज हल्का सा बाजार चढ़ा तो मैं तो डरा हुआ था, तो मैं तो वही गाना गा रहा था, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, इसमें भी हाँ उसमें भी हाँ, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर। तो भैया आज मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, हालांकि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और आपकी शुभकामनाओं से इसमें एक बड़ा पोर्शन रोल ओवर प्रॉफिट का भी है, पर वो ठीक है, प्रॉफिट तो है ही, बाकी भी मैंने अच्छा करा है। और पोजीशनें थोड़ी हल्की कर ली, मुझे 2 दिन ऑपरेटर और दे दे, मैं पोजीशनें हल्की कर लूँगा और उसके बाद फिर ऑपरेटर से कहूँगा आ जा डार्लिंग अब करते हैं फिर से ट्रेड नहीं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है नई पोजीशन बनाते हुए। हालांकि कहता तो रहता हूँ नई पोजीशन बनाते हुए डर लग रहा है, लेकिन कुछ मिल जाता है अच्छा मसाला, बढ़िया कोई ना कोई मौका, तो फिर मैं चौका ना ना करते हुए चौका मार देता हूँ। आज भी मैंने ठीक ठाक सी नई पोजीशन बनाई है, लेकिन बड़ी ठीक ठाक सी, जिस तरह से पहले एक एक दिन में 40-40 बना रहा था वो नहीं कर रहा, सोच समझ के कर रहा हूँ। पर अभी भी मैं रिस्क मान के चलता हूँ, मैं रिस्क के दायरे में, मुझे बचना है। अब आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क के दायरे में हो, बाहर आ गए, क्योंकि कल तो बड़ी परेशानी हो गई थी, आज थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है। आपको क्या लग रहा है, बाज़ार भागेगा घटेगा, इस बारे में पूरी डिटेल मैंने आज चर्चा की है, पूरी कैंडल को की बारीकी से समझाया, तो आज की वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट डार्लिंग बता दीजिए आपको क्या लग रहा है ये मंदा कब तक चलेगा, फटाफट कमेंट में लिखिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई, अच्छे से चर्चा करेंगे बाजारों की। कल मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ज़्यादा बात नहीं की थी, पर मैंने सोचा आज शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लें, क्योंकि यार थोड़ा कंपैरिजन हो जाता है। वैसे लगातार काफ़ी समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार सारे ही एक्सलेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी एक्सलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई भी बाजार हो। बस हमारे भारतीय बाजार हैं जो बेचारे लूटे पिटे से चल रहे हैं, वो इलेक्शन के करते ना, उसका इलेक्शन का इस वक्त ओवरहैंग बन गया बाजार के अंदर, बड़ा खतरनाक। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप खुद समझोगे। पहले मैं एशिया बाजार की बात करता हूँ, सारे इंडेक्स लाल हैं। मैं आपको बड़ी बड़ी तेजियाँ सुनाता हूँ, उससे आपको मज़ा आएगा। हांगकांग 2.5% के लपेटे में, सॉरी सारे हरे हैं। हांगकांग 2.5% के लपेटे में तेज है, साउथ अफ्रीका 0.25% तेज है, कॉस्पी 0.5% तेज है, जापान 0.5% तेज है, S&P 500 0.5% से कम तेज है। चाइना के एक इंडेक्स लाल है, बाकी 2 हरे हैं। PS यानी फिलीपींस का हल्का इंडेक्स गिरा हुआ है। अब यूरोप चलते हैं, यूरोप में सारे इंडेक्स हरे हैं सारे, और सबसे ज़्यादा तेज़ी में बताता हूँ कहाँ है। स्टॉकहोम में 1.56% की, स्विट्ज़रलैंड में 1.36% की, और 1% सारे के आसपास, 0.5% 1% के आसपास, इवन MOEX भी 0.5% से ज़्यादा तेज है। मतलब आप देखो तो सही किस तरह से बाजार चल रहे हैं। अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में आपका कैनेडा फ्लैट है, ब्राज़ील का बोस्पा हल्का सा गिरा हुआ है, US के 2 इंडेक्स हरे में और 2 लाल है। अभी खुले हैं बाजार, जाते जाते ठीक हो जाएंगे। अब वहाँ पर जॉब के डेटा आए थे, इतने बढ़िया आए नहीं, तो जिसके चलते अब लोगों की फिर आशा बन गई है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो बाज़ार वहाँ के स्ट्रांग है और लगातार काफ़ी समय से बाज़ार स्ट्रांग चल रहे हैं। हमारे बाज़ार में ओवरहैंग हो रहा है बेसिकली इलेक्शंस का, क्योंकि जो सट्टा बाज़ार चल रहा है, मैं आजकल बात कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा सट्टा बाज़ार में करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूएंस का रेट कम हो गया था, लोग कह रहे थे फिर कुछ चेंज आ गया है। अब वो मैं इतना ट्रैक नहीं करता उसको, क्योंकि मेरे इतने सोर्सेज भी नहीं है, पर ओवरऑल मैं देख रहा था थोड़ी सी ना कहीं डाउटफुलनेस आ गई थी, तो इस वजह से बाज़ार पकड़ नहीं पा रहे। हालांकि मैं लोगों से बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं 400 से ऊपर सीट आएंगी। अब जिस तरह से मिले जुले में ओपिनियन लेना, तो 400 से ऊपर तो मुझे भी नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है यार 300 से ऊपर आ जाए, जितनी पिछली आई थी उससे 2-4-5-10 फालतू आ जाए तो भी बड़ी बढ़िया ही रहेगा। अब तो ये पोजिशन हो गई।
अब फ़ायदा भी है, बाज़ार काफ़ी हल्के कर दिए। आज मैं आपको बताऊँ, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, मैं आपको बताता हूँ, पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको बताऊँगा कि आज क्या हमें पोजीशन लगती नज़र आ रही है। देखो आज पहली बात तो बाजार में निफ्टी 50 में 36 एडवांस थे, 14 डिक्लाइन थे, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इस चार्ट को देखिए, देखो हो क्या रहा है, पिछली बार आपको याद होगा इसी मैंने कैंडल के बाद आपसे कहा था, इतनी बड़ी लाल कैंडल बनी है तो अब मंदी खत्म हो जानी चाहिए, और यही बात मैंने कल भी कही थी वीडियो में। अब पिछली बार क्या हुआ था, अगले दिन ही बाजार काफ़ी गिर गया था, यानी इसके बॉटम को उसने काफ़ी ब्रेक कर दिया था, उसके नीचे खुला और नीचे गया, फिर उसने रिकवरी ले ली और उसके बाद तेज़ी की कैंडल बन गई। पर आज की कैंडल देखिए ऐसी नहीं है, आज की कैंडल ने कल की क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग नहीं दी, कल के बॉटम को काटा नहीं। आप देखिए ना, कल के बॉटम से ऊपर रही है और उसने जो ओपन भी हुई थी कल के नीचे से ऊपर हुई थी, तो ये कैंडल थोड़ी कंसोलिडेशन वाली कैंडल है, तो मुझे लगता है एक कैंडल और नीचे की यात्रा आनी चाहिए जो 21800 तक जा सकती है। अब वो मंडे को आएगी, ट्यूसडे को आएगी, वेनेसडे, मतलब एक आनी चाहिए फिर ऊपर की यात्रा शुरू होगी। जैसे अगर आप यहाँ देखें, आप अब यहाँ पर ये था ना, ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक हरी कैंडल पैरेलल सी बन गई थी, फिर दो कैंडलें पैरेलल बनी, उसके बाद गिर गया बाजार और फिर तेज़ी दिखाई बाजार, तो कुछ मुझे ये वाला इससे मैच करता हुआ दिख रहा है कि भाई अगर आज काफ़ी गिर जाता ना तो फिर मतलब क्या होता है, काट दिया सबको। अब आज ना आशा बंधा दी, अब दो तीन दिन आशा बंधा देंगे, लोग कहेंगे बस दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आया हुआ। वो जैसी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे फिर एक झटका नीचे को देंगे और फिर अगले दिन ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देंगे। अब ये कंसोलिडेशन का फेज एक दिन का है, दो दिन का है, तीन दिन का है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो अगला हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। पर देखो बाजार में क्या होगा किसी को पता नहीं है, हम अपने अंदाजे ही लगाते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अगर हमारे अंदाजे मोटे मोटे ठीक हो जाएं एक दिन आगे पीछे तो सही है, मैं इसको जीत ही मानता हूं। तो अब कैंडलस्टिक चार्ट का तो मैंने आपको पूरा बखान कर दिया है, अब एमएचडी चार्ट पर अभी भी बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है और वो स्टैग्नेंट सा हो गया, आरएसआई में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और कैंडल की लोकेशन, कैंडल अच्छी है, हरी है, लोकेशन ख़राब है, बिल्कुल नीचे सट के बनी है लोअर बोलिंजर बैंड से, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, तो अभी टेक्निकली बाजार अभी यहाँ पर वीक है। और अब मुझे लगता है एक पहले कंसोलिडेशन, फिर फॉल, फिर एक डीप फॉल और फिर बाजार ऊपर चला जाएगा उसी दिन या नेक्स्ट, तो ये मेरी अपनी जजमेंट है। अब बाकी तो यार मैं कोई नॉस्ट्रादमस तो हूँ नहीं कि सब चीज़ें एकदम सटीक बता दूँ। अब बाजार में देखिए फियर काफ़ी बढ़ गया, अब फियर उस लेवल पर पहुँच गया कि यहाँ से 30 के नीचे आया और एक्सट्रीम फियर बना, तो अब एक्सट्रीम फियर की तरफ बढ़ रहा है, पर अभी बना नहीं, एक्सट्रीम फियर बन जाना चाहिए ऐसा मेरा फीलिंग है। अब ये अभी भी हायर साइड पे है तो इसको हम नेगेटिव ही कहेंगे, हायर साइड पे नेगेटिव ही कहेंगे, ये और बढ़ गया नेगेटिव ही है, ये हायर है नेगेटिव ही है, और ये थोड़ा सा हल्का ना के बराबर गिरा है इसलिए इसको भी हम नेगेटिव कहेंगे, यानी इंटरनेशनल इंडिकेटर्स में कोई भी अभी रिस्पाइट या कोई अच्छी बात अभी भी नज़र नहीं आ रही। आज एक अच्छी बात है कि FIs ने थोड़ा कम बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर भी कम बेचे और उन्होंने देखा जाए स्टॉक फ्यूचर बहुत सारे खरीदे, जिसके चलते कल की एक बहुत भयंकर ओवरऑल बिकवाली की सामने आज थोड़ी बिकवाली आई है और DIs लगातार मार्केट से माल उठा रहे हैं। आज जितना उन्होंने कैश सेगमेंट में बेचा था FIs ने, उससे ज़्यादा DIs ने उठाया, जिसके चलते नेट खरीदारी आई, उसके चलते निफ्टी 50 हरे में बंद हुआ लेकिन निफ्टी बैंक लाल में ही बंद हुआ। अब ये पोजीशन भी इनकी काफ़ी रीजनेबल है और ये भी अब थोड़ी रीजनेबलनेस की तरफ बढ़ गई है, हालांकि अभी इतने बात नहीं है। आज एक इंडेक्स था बस निफ्टी बैंक जो हरे में बंद हुआ, ओवरऑल आज पोर्टफोलियो मेरा भागा था, तो उसका कारण ये, अगर आप देखेंगे ना निफ्टी मिड कैप 50 काफ़ी चला, निफ्टी स्मॉल कैप 50 काफ़ी चला 1% के लपेटे में, निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी चला, तो जिसके चलते निफ्टी मिड कैप 100 काफ़ी चला, जिसके चलते ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरे एक अकाउंट के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया मुझे आज इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ है 1.1%, तो आप देख सकते हैं। अब मैं अगर स्टॉक्स की बात करूँगा ना, अभी इसके बाद
तब मैं आपको एक खास स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा बड़े दिनों बाद। आज अगर आप देखेंगे 1421 शेयर बढ़े हुए थे, 803 शेयर गिरे हुए थे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज गजब का था। उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे UPL आज भागा, इसमें मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है, रोल ओवर किया बेसिकली। तो सही मायने में इसको प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने रोल ओवर कर लिया, पर ठीक है, अब देखते हैं। पॉलीकैब भागा, मन्नापुरम फाइनेंस भागा, डॉक्टर लाभ प्लेट भागा। और गिरने वालों में जो अपनी नाक कटवा रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, ACC था, गोदरेज प्रॉपर्टी था, बैंक ऑफ बड़ौदा था और बिरला सॉफ्ट था। अब मैं आपको बताता हूँ पहले निफ्टी 50 का, फिर मैं आपको अपने फेवरेट शेयर के बारे में बताऊँगा। 21,957 पे बाजार बंद हुआ और 21,990 पे खुला आज। खुलते ही ऊपर की तरफ भागा और एक बड़ा पीक बनाया 22,131 का, फिर टिक नहीं पाया, गिरा, चढ़ने की कोशिश करी, फिर ज़्यादा गिरा और बॉटम बना लिया 21,950 का, फिर चढ़ा, नीचे रुक पाया, गिरा, फिर वापस रिक्लेम कर लिया और अल्टीमेटली 22,055 पर, 22,000 के ऊपर डिसिसिव क्लोजिंग दी, 97 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। मैंने पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पोल का अगर आप नतीजा देखेंगे तो बड़ा अच्छा था, तो लोगों ने जो आज उस पोल पे प्रिडिक्ट किया था, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और लोगों की कहना चाहिए समझदारी से, वो लगभग कामयाब रहा। 46% लोगों ने कहा था कि बाजार 22,000 से 22,300 के बीच रहेगा, 43 ने कहा था 22,000 से नीचे रहेगा, तो फिर वो 22,000 पे ही बंद हुआ ना, तो यानी मेजॉरिटी का डिसीजन ठीक रहा। आप देख सकते हैं, दिख रहा है मैडम जी, तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे मैं पोल कराता हूँ, हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स वगैरह, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे बहुत से पेड चैनल बने हुए हैं, फेक वाले किसी को मत ज्वाइन करिए, मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ, फ्री चैनल है, कोई टिप नहीं, कुछ नहीं, एजुकेशनल चैनल है, सब चीज़ों के बारे में सुबह सुबह डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीरियस ट्रेडर। अगर आप टॉम डिक एंड हैरी हैं बस ऐसे घूमते रहते तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको नॉलेज चाहिए, आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, बड़ा ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज रहने देना, कोई ऐसी जरूरत नहीं। आप ढेरों टिप वाले चैनल अवेलेबल है, मैं तो टिप देता नहीं हूँ, तो सिर्फ सिंसियर लोग, बढ़िया लोग, जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं, अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, प्लीज़ वही ज्वाइन करना। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आज जो शेयर भागे BPCL, हालांकि बहुत बड़ा डिविडेंड दिया, भाग गया। NTPC, पावर ग्रिड, हीरो मोटर कॉर्प की आज बड़ी चर्चा हो रही है, JSW स्टील, एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल जो है बिल्कुल गोली अटरम शटरम बने हुए। मरने वालों में TCS, सिप्ला, LTI, माइंट्री, इन्फोसिस, कोटक, विप्रो, M&M। मेरा टाटा मोटर इसमें नहीं आया, टाटा मोटर ने आज अच्छी बढ़त दिखाई और बहुत ज़्यादा ऊपर बंद हुआ। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने टाटा मोटर की बहुत सारी पुट्टे बेची हुई हैं, 27 लॉट पुट्टों के बेचे हुए, जिसमें बहुत सारे लॉट 1425 वाले हैं, बहुत सारे लॉट 550 वाले हैं, 6 फ्यूचर खरीदे हुए हैं, पांच कॉले बेची हुई हैं, 22,000 के लगभग टाटा मोटर और टाटा DVR, अगर वो TVR ज़्यादा है पर उनको टाटा मोटर में कन्वर्ट कर लो यानी 0.7 से मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 22,000 के आसपास मेरे पास शेयर है। तो भाई मैं बायस भी हो सकता हूँ, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं टाटा मोटर में बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ तो मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ, यानी मेरी सोच जो है बायस्ड भी हो सकती है। टाटा मोटर के आज नतीजे आए हैं और 94 रुपीज़ की इस साल की EPS आई है, इंडियन ऑपरेशंस उनके टोटली डेट फ्री हो गए हैं, अगले साल यानी 2025 जिसमें हम कदम रख चुके हैं उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी पूरे इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी डेट फ्री कर देंगे। इस साल उन्होंने 2.3 बिलियन पाउंड या डॉलर्स था उसके आसपास का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, वो पाउंड क्योंकि UK में लिस्टेड है तो पाउंड भी हो सकता है, वो रकम थोड़ा भूल गया, पाउंड होगा या डॉलर होगा, और डेट सिर्फ 0.7 बिलियन डॉलर के रह गए हैं। 97 यानी ये शेयर अब रॉकेट बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ये रॉकेट होगा, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर मेरी बहुत होल्डिंग है, आपको लगेगा सर बायस्ड हो गए, बाकी मुझे ऐसा लगता है। तो इसको आपको याद होगा मैं 300 रुपये से खरीद रहा हूँ, कई बार मैं खाली हो जाता था फिर ऊपर के रेट पर खरीद लेता, फिर खाली हो जाता था फिर ऊपर के रेट पर खरीद लेता, इसको मैं 2800 शेयर तक ले गया था जहाँ तक मुझे याद है, 2800 कह रहा हूँ, 28,000, फिर वो कॉले वगैरह मेरी इंदा मनी हो गई, फिर मैंने डिलीवरियाँ भी छोड़ी,
लेकिन आज भी मेरे पास टोटल 22,000 शेयर है, मतलब 22,000 में 40-50 शेयर कम होंगे बस। तो प्रभु की कृपा से बड़ा मुनाफा इसमें होगा। मैंने आप वीडियो में बोला था हमारे जो एस इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला साहब, वो राकेश झुंझुनवाला टाइटन की वजह से बने, उतना बड़ा आदमी तो मैं बन नहीं सकता, वो झुंझुनवाला थे, हम झुंझुनी बन जाए सिर्फ, कहने का मतलब उनके कदमों उस पर तो शायद टाटा मोटर है जो हमें झुंझुन बना दे यानी उनका शागिर्द, उनका एक कहना चाहिए उनका कुछ पोर्शन जैसी हमारी भी वेल्थ बना देगा। तो मुझे सदा इस शेयर के बारे में ये फीलिंग रही है, तो मैंने इसमें अपनी बहुत पोजीशन सदा बनाई रखी है। हालांकि मैं डरता भी बड़ा हूँ, इस बार बहुत डरा था, मुझे कल से ये लग रहा था कि यार अगर टाटा मोटर के नतीजे किसी वजह से अच्छे नहीं आए, हालांकि मुझे लग रहा था इतने अच्छे आएंगे मुझे भी उम्मीद नहीं थी, अगर मुझे पता होता इतने अच्छे आए तो मैंने अभी कल एक परसों एक कॉल स्क्वेयर ऑफ की थी, मैं सारे पाँचों लॉट स्क्वेयर ऑफ कर देता, पाँचों फ्यूचर मेरे ओपन होते, नेकेड होते भाई साहब, ऐसे भागते गोली की तरह। अब वो कॉल बेची हुई है तो उसके से प्रॉफिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, 1,000 की कॉल बेची हुई है, 3,1100 की बेची हुई है, 1,1160 की बेची हुई है, एक खुला है जो रॉकेट बनाएगा सारे मुनाफे का, बाकी सब पे तो रिस्ट्रिक्शन लग गई, तो भागेगा तो कॉलों में बड़ा लॉस आता ना। तो ये मैंने आपको एक बड़ी चर्चा की, तो मैं ये बोलूँगा उत्तरी की इस शेयर को क्या होगा, तो वो वाली बात है। अब ये भी हमने चर्चा कर ली, अब आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस को। 22,000 पर बाजार बंद हुआ, 22,000 का लेवल ये है, 22,000 के लेवल पर आप देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पुट का बहुत बड़ा है और मैक्सिमम पेन यही है, तो यानी अभी ये जो करंट लेवल है बड़ा क्रूशियल बना हुआ है। अगर आप नीचे जाओगे तो कॉल राइटिंग बहुत थोड़ी है, पुट राइटिंग बढ़ी है, अगर आप ऊपर जाओगे तो कॉल पुट राइटिंग जल्दी से कम हो जाती है पर कॉल राइटिंग बतेरी है। तो कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कहली कितनी ज़्यादा, इसका PCR तो मुझे लगता है 0.5 से नीचे होगा, देखें ना PCR उल्टा इम्प्रूव ही हुआ है, यानी पुट्टे भी ऊपर के रेट पे लिखी गई हैं, ऐसे ये पुट्टे भी आई हैं ना इस रेट पे, लेकिन कॉल राइटिंग हर जगह बहुत लग रही है यार, नहीं anyway, PCR काफ़ी लोअर साइड पे अभी भी 0.68, मैं यही कहूँगा मंथली PCR और कहूँगा। तो अब बाजार PCR को देखते हुए तेज भी हो सकता है कॉल राइटर्स को मारने के लिए, मंथली वाला वहीं टिका हुआ 22,000 पे पुट राइटिंग और 22,500 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन 22,000 पे है, कल तक सेकंड हाईएस्ट पेन जो था और आज भी वो कहाँ पर है 22,500 पे, तो यानी थोड़ा झुकाव ऊपर की तरफ ही है मंथली। अब निफ्टी बैंक पे आ जाओ, निफ्टी बैंक में 8 बढ़े हुए थे 4 गिरे हुए थे, 47,487 पे बाजार बंद हुआ, 47,555 पे खुला, खुलते ही थोड़ी देर में पीक बना लिया उसने 47,868 का, फिर गिर गया, थोड़ा चढ़ा फिर बहुत ज़्यादा गिर गया, फिर चढ़ा फिर गिर गया, यानी दो बार उसने बॉटम के नज़दीक पहुँचा 47,313 पर, फिर वहीं हल्का सा चढ़ता हुआ 47,421 पर, डेज लो के आसपास 66 पॉइंट गिरकर 0.14% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवा गया। नाक इसलिए कटवा गया, बाकी सारे इंडेक्स हरे में थे, इकलौता यही था बेशर्मों की जरा जो लाल में बंद हुआ। एक चीज़ और देख लें, इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे ना अभी भी वो बढ़ रहा है, तो ये इंडिया विक्स बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, ये बड़ा खतरनाक चिन्ह है, इंडिया विक्स जो है ना हमें डिस्टर्ब कर रहा है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं भागे कौन से थे, बंधन बैंक सबसे ज़्यादा तेज था, फेडरल, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC, इंडसइंड बैंक में पकड़ नहीं आ रही है, एक्सिस, ICICI बैंक, SBI, HDFC, कोटक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी गिरे हुए थे। अब चार्ट पे आइए, चार्ट में लगातार ये नीचे जा रहा है, आप देखो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, सात दिन, आठ दिन, आठ दिन से लगातार लाल कैंडलें बन रही हैं, इतनी ज़्यादा कैंडलें लाल मैंने पहले नहीं देखी, और अब ये बिल्कुल हर लेवल पे कमज़ोर हो चुका है, इवन इसका RSI भी बहुत नीचे है, MACD चार्ट भी ख़राब है, तो अभी ये काफ़ी कमज़ोर है और अभी इसमें ना कोई बढ़िया चिन्ह नहीं आया, अभी हो सकता है अभी गिरावट इसमें जारी रहे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि शार्प रिकवरी होगी, इसलिए लगता है कल गिर के शार्प रिकवरी कर ले तो अलग बात है, लेकिन अभी मंडे को एक गिरावट ये दिखाएगा ऐसा मुझे लगता है। अब 47,441 पे 21 पे बाजार बंद हुआ, तो 47,500 पकड़ लो, कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग भी टक्कर की है, पर मैक्सिमम पेन 48,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 47,500 पे, यानी अभी बायस जो है ना ऊपर की तरफ है थोड़ा, ऑप्शन चेन एनालिसिस ये कह रहा है
कि इसको बढ़ना चाहिए अभी, और पीसीआर इसका अभी भी काफ़ी नीचे ही है, 0.6 मंथली वाला और नीचे हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ वीकनेस बनी हुई है और बाजार ओवरसोल्ड भी है, तो इसलिए रिकवरी दिखा सकता है। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से 356,800 का बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट बुक किया है। मेरी आत्मा जानती है मैंने कैसे करा, कि मन में भय था इसमें, बाकी 215,000 तो रोल ओवर प्रॉफिट है। रोल ओवर प्रॉफिट को मैं इतना प्रॉफिट नहीं मानता, हालांकि मैडम कहती है रोल ओवर लॉस भी तो होता है, वो तो बताते ही हो आप। हाँ, उसके अगेंस्ट रोल ओवर प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। अब 4 मैंने फ्यूचर रोल ओवर किए, 1 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, 10 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव पुट बेची, 3 सेफ पुट बेची, 2 सेफ कॉलें बेची और 2 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, जिसके चलते इंडसइंड बैंक को मैंने आज ना छोड़ दिया। मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं इसको OTM होने देता हूँ, आज मैंने थोड़ा थोड़ा प्रीमियम डर के मारे छोड़ दिया, 2 रुपये 60 पैसे छोड़ के स्क्वेयर ऑफ कर लिया, 18,000 कमाए। मदरसन की पुट 10 पैसे पे स्क्वेयर ऑफ कर ली, 12,070 कमाए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसको पढ़ा रहने देते बाद में और 710 रुपये आ जाते, मैंने कहा यार अभी इलेक्शन का चल रहा है, बीच में अगर किसी दिन बड़ी गिरावट कर दी तो पहले ही बहुत पोजीशन होंगी ना, नई पोजीशन बनाते हुए डर लगेगा, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ प्रॉफिट मिल रहा था 1 रुपये 80 पैसे में गोदरेज CP की पुट स्क्वेयर ऑफ कर दी, 8100 बच गए। अब ग्रासिम की तो कितनी महंगी करी मैंने, 8 रुपये 10 पैसे भी कर दी, उसमें भी 5800 मिले, 8 रुपये 10 पैसे तो बड़ा प्रीमियम है, मैंने कहा देख लेंगे यार अभी डर लग रहा है। अब 4 लॉट थे हीरो मोटर कॉप के, 3 रुपये 60 पैसे भी स्क्वेयर ऑफ कर दिए, बड़ा मोटा प्रॉफिट छोड़ दिया, 20,790 का प्रॉफिट, वो डर था बस। अशोक लेलैंड 30 पैसे भी स्क्वेयर ऑफ कर दिए, 2 लॉट 28,500 का प्रॉफिट, रुक जाता तो 3,000 और आते। अशोक लेलैंड 55 पैसे में स्क्वेयर ऑफ कर दिया, 9,250 का प्रॉफिट। अब ये उस लेवल की जो कह रहे थे लोग OTM हो जाएंगे, इवन IGL को मैंने 1 रुपये 80 पैसे में स्क्वेयर ऑफ कर दिया, 21,931 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने अशोक लेलैंड को एक बार और स्क्वेयर ऑफ किया, इसमें 9,500 का प्रॉफिट हुआ, अशोक लेलैंड बहुत काट दिया मैंने। वेदांता भी आज स्क्वेयर ऑफ कर दिया, जबकि लोग कह रहे थे 320 थोड़ी आ जाएगा, इसमें भी मैंने कहा छोड़ो यार देखेंगे। फिर UPL के 4 बार मैंने फ्यूचर सेल किए और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 215,085, रोल ओवर कर दिया मैंने इसको। तो भैया जो होता है आपको ईमानदारी से बता देता हूँ, कोई टिप नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी होगी डिप। सिखाता हूँ मैं वीडियोस और डेमोज द्वारा, आप भी सीख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट बनिए व्हाट्सएप के 70 11 330 077, मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077, या व्हाट्सएप पे स्टूडेंट सेक्शन में भी जाके, मेंबरशिप सेक्शन में भी जाकर बन सकते हैं, और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए तभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए या मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।